यूपी की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा ने वायुसेना में भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने जा रही है। बता दें कि मिर्जापुर की रहने वाली सानिया के पिता टीवी मैकेनिक है और अब उनकी बेटी सानिया मिर्जा ने एनडीए एग्जाम पास किया है। सानिया 27 दिसंबर को पुणे में एनडीए खड़सवाल में शामिल होंगी। विदेश की पहली महिला फाइटर अपनी चतुर्वेदी को अपना रोल मॉडल मानती है और शुरुआत से ही वो उनके जैसा बनना चाहती थी। अब सानिया देश की दूसरी बेटी है जो फाइटर पायलट के लिए चुनी गई। पढ़ाई में होशियार रही सानिया ने 12वीं के यूपी बोर्ड में पूरे जिले में टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने एनडीए की तैयारी शुरू की। बता दें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 के एग्जाम में महिलाओं और पुरुषों के लिए कुल 400 सीट थी। इनमें से 19 सीट महिलाओं के लिए और 2 सीट फाइटर पायलट के लिए रिजर्व रखी गई थी। इन दोनों सीटों में से एक पर सानिया मिर्जा ने कामयाबी हासिल की और मुस्लिम समाज का नाम रोशन। आज मुसलमान समाज को बहुत नीचा तबका माना जाता है, वो इसलिए कि एजुकेशन में बहुत पीछे है। अगर हम सब चाहे तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर काबिल इंसान बना सकते हैं। और जो लड़ाई तुम तलवार से नहीं जीत सकते, वो तुम कलम से जीत सकते हो, इल्म से जीत सकते हो, तालीम से जीत सकते हो और अपने समाज को आगे ले जा सकते हो और पूरी इंसानियत की मदद कर सकते हो। फिर सानिया जैसी एक नहीं, बहुत सारी बच्चे बच्चियाँ इस मुकाम को हासिल करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।